मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खानसावली में लिटिल फ्लावर स्कूल के पास सफीक खान पिता रफीक खान के घर में आग लग गई। आग के कारणों का पता ही नहीं लग पाया, लेकिन आग लगने के पश्चात पड़ोसियों ने आग बुझाने में मदद की और फायर फाइटर की मदद से पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। सफीक खान के अनुसार उन्होंने एक प्लॉट बेचा था, उसका 7 लाख रुपये घर में कैश रखा हुआ था और 5 लाख रुपये की अन्य सामग्री। इस तरीके से कुल मिलाकर 12 लाख रुपये का उनका नुकसान हुआ है। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी पूरी जीवन भर की कमाई जलकर खाक हो गई और इस घटना को लेकर वह बहुत दुखी हैं। पुलिस से भी मांग करेंगे कि इस घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई करें, ताकि ये पता लग सके कि आग किस कारण से लगी। कांच भैया वो अंदर खसका दे उसके, नहीं तो वो गिरने से और पुड़ी आएगा अंदर, टेक दे उसको। सोफा वगैरह इधर कर दो, मतलब ये कमरा भी हीक मारेगा, नहीं तो और छेद कर दो उसमें, निकाल ना किला निकाल, अरे नीचे से थोड़ा सा छोटा छेद कर दो, इसका फंसा दो, पानी निकल जाएगा। ये इधर पड़ा है, देख बोले इधर पड़ा है। यहाँ पे भी देखा था मैंने, क्या पड़ा हुआ ये पड़ा, ये क्या फंसा, तो ये उसको दे देना, क्या है साबुत है क्या है, आई का आ जाना, पटक दे, आप आ जाए, पटक दे किसी में, पटक दे।
नीचे से उस साइड से फंसा, सूखे साइड से, सूखे साइड से फंसा। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंकेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी, गेम पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।